टीना जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इस्लाम कबूल करने से पहले आपकी जिंदगी कैसी थी? जब मैंने इस्लाम एक्सेप्ट किया, आई वॉज 29 ईयर्स ओल्ड। एंड उससे पहले मेरी लाइफ जस्ट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल लड़की, एक जो नॉर्मल वर्किंग लड़की है। तो आई यूज टू वर्क इन वन ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। और मेरी फैमिली भी काफ़ी लिबरल है, मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स नहीं कर रहे थे शादी के लिए। ऑफ कोर्स जब मैं व्हेन आई हैड जॉइन्ड द जॉब, तभी मैं 22 23 थी, 23 ईयर्स की। तो दे गिव मी लिबर्टी कि आप अपना करियर बना। मेरी लाइफ वॉज लाइक मुझे जो चाहिए था मैं ये करती थी। आई वॉज इंडिपेंडेंट, आई डिड नॉट लाइक टू बी डिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरीली, मतलब भाई पे या फिर पापा पे या फिर कोई भी एनी एनी पेरेंटल फिगर या फिर एनी मेल फिगर पे। मेरा सोच ऐसा था कि रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, अगर आप फीमेल हो कि आप मेल हो, वट एवर, यू नीड टू हैव योर ओन सेविंग्स, यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट, यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। आप सब में कुछ ना कुछ स्किल होता है, तो आप कुछ ना कुछ लाइफ में कर सकते हो अपने बलबूते पे। तो मेरी ये सोच थी। और एट द सेम टाइम मैं स्पिरिचुअल भी थी, स्पिरिचुअल एज इन जब मैं छोटी थी, यू नो आई यूज टू आस्क मेनी क्वेश्चंस टू माय पेरेंट्स कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, हमारे रिलीजन में ये जो पर्टिकुलर कस्टम है, रिचुअल है, ये इसके पीछे क्या लॉजिक है। सो आई वॉज ऑलवेज ड्रिवन बाय द लॉजिक। मतलब मुझे अगर कोई बोले कि ये करना है तो मैं चुपचाप से आई कर करूँगी। मैं वैसी लड़की नहीं थी, मैं थोड़ी रिबेलियस थी। मैं पूछती थी उनको कि ये क्यों करना है, अगर करना है तो वो, आई मीन आई यूज टू आस्क क्वेश्चंस कि ये ऐसा क्यों होता है बेसिकली। तो रिलीजन के मामले में या फिर स्पिरिचुअलिटी के मामले में भी आई यूज टू आस्क क्वेश्चंस। तो मेरे पेरेंट्स वैसे नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। माई पेरेंट्स वे कि ठीक है, ये चीज़ अपन को करना है, हमारे सो कॉल्ड लाइक रीति रिवाज में ये है तो अपन को करना है ऐसे। बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब जब तक मुझे कुछ उसका रीज़न या फिर लॉजिक ना मिले तो मुझे नहीं मन करता था। मुझे फेक वाली फीलिंग आती थी कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, वाई इज़ दिस सो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस्लाम से पहले मैं कुल देवी में बहुत मानती थी। तो जब हमारे सारे रिलेटिव्स एक जगह पे मिलते थे तो आई यूज़ टू सी दिस के किसी के यू नो बॉडी में आके सब लोग ऐसे बोलते थे कि वो कुल देवी आई है। एंड दैट पर्सन यूज टू लिटरली स्टार्ट डांसिंग, और ऐसा लगता था कि वो होश में नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस, जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं ये किसी को ये नहीं बोल रही हूँ कि ये गलत है या सही है। मेरे नज़र में मुझे उस चीज़ का कुछ मुझे लॉजिक नहीं दिखाई दिया। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ये सारे क्वेश्चंस, मतलब यू नो आई यूज टू आस्क कि ये क्या है। और मुझे ये भी क्वेश्चन आता था कि ठीक है, अगर वो जो देवी है, इफ़ शी हैज़ चोजन अ पर्टिकुलर इंसान, तो ऐसे बोलते थे कि वो इंसान मस्ट बी वेरी प्योर एट हार्ट, इसके लिए वो देवी ने उनका शरीर चूज किया। तो मुझे ऐसा क्वेश्चन आता था कि वाई नॉट माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स भी अच्छे हैं, वाई नॉट माई पेरेंट्स, यू नो। तो मैं जो भी देखती थी ना उसके पीछे, इधर आई यूज टू आस्क क्वेश्चन, और अगर मुझे आंसर्स नहीं मिलते थे तो मैं खुद ही सोचती रहती थी उस चीज़ को लेकर। आई यूज टू फाइंड जितना भी पॉसिबल था। सो येस, आई वॉज अ वर्किंग फीमेल, एम्बिशियस लेडी एंड स्पिरिचुअल सोल। तो आप एक वर्किंग लेडी थी और खुले विचार की लेडी थी, और आपके अंदर ये भी था कि आप क्वेश्चंस ज्यादा पूछती थी या चीजों को समझने की जुस्तजू आपके अंदर थी, राइट? करेक्ट करेक्ट ओके, सो स्पिरिचुअलिटी भी आप, मतलब स्पिरिचुअलिटी पे भी आप बिलीव करती थी और कुछ उससे रिलेटेड कुछ आप करती थी, जैसे कि आपने मुझे कुछ कार्ड्स का बताया था। यस 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 तो वन डे आई जस्ट केम अक्रॉस वन ऑफ माई फ्रेंड्स जो ये सब करते थे, नॉट प्रोफेशनली बट जस्ट टू हेल्प पीपल। तो मैं देखती थी कि वो सब क्या कर रहे। तो वो टैरो, बेसिकली ही यूज टू हैव दीज टैरो कार्ड्स, और आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन हो रिलेट टू योर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर और वट एवर क्वेश्चन, तो वो टैरो कार्ड के मदद से वो आंसर देते थे। और फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया, सो आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि चलो मैं शॉक तो हो गई कि ये आंसर्स दे रहे हैं। एंड मुझे उसके बाद से, जैसे कि जो मेरा नेचर था कि आए मैं शांत नहीं बैठती थी, अभी टैरो कार्ड का मुझे पता चल गया है कि ये करेक्ट आंसर्स देते हैं, नॉट एवरी टाइम बट यस कभी कभी एकदम बैंग ऑन आंसर्स मिलता था।
सो आई उसके पीछे मैं पड़ गई कि अभी ये क्या एनर्जी है मुझे जानना है, बिकॉज अगर वो सही है तो नो प्रॉब्लम, बट अगर जैसे कि मैं हमेशा से बिलीव करती हूँ कि देर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज, गुड एंड बैड, तो अगर ये एनर्जी, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं करता था, इट्स जस्ट कि ये टैरो है, आपको क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे, आप स्टार्ट करो, बट आई यूज टू स्टार्ट फ्रॉम रूट, मतलब ठीक है मैं ये सब करूंगी बट आई नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इट, क्या एनर्जी वो यूज करता है और क्या उसका हिस्ट्री क्या है, उसका स्टोरी क्या है. सो आई वांटेड टू नो कि ये एनर्जी क्या है बेसिकली, इज इट गुड और बैड. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग लाइक करना ना भूले और शेयर भी करें, ताकि ये बातें जो, ये एक गेम टर्निंग हो सकता है, क्योंकि कई सारे लोग जो ट्रैप में आ जाते हैं इस्लाम के, उनकी आंखें खुल सकती है, और कई सारे लोग जो सोच रहे होंगे कि हमें इस्लाम में आना है तो उनकी भी आंखें खुल सकती है. बस आपको ये ध्यान देना है कि ये बातें उन तक पहुंचे. अगला सवाल आपसे ये है टीना जी, किस वजह से आपने और कैसे इस्लाम कबूल किया आपने? सो ये जो मैंने आपको जो बोला, सो दीस थिंग्स यू नो वेरी, मतलब ये सारी चीजों में मैं हमेशा से एक्टिव थी, लाइक स्पिरिचुअल टॉक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरे ही एक फैमिली मेंबर ने मतलब दैट वॉज नॉट इंटेंशनल, जैसे बहुत सारे लोग, चाहे वो कन्वर्ट्स हो या बॉर्न मुस्लिम हो, बहुत सारे लोग वो लोग इंटेंशनल दावा करते हैं कि चलो हमको बोला गया है हम दावा करेंगे एंड जितने भी लोगों हैं उनको हम इस्लाम के दीन में हम लाएंगे. मेरे केस में ऐसा नहीं था. मेरे केस में आई केम टू नो अबाउट दिस इस्लाम, अबाउट दिस रिलीजन थ्रू वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, एंड उसके बाद बेसिकली इनडायरेक्टली सूरह इखलास एक्सप्लेन किया गया था, एंड द मीनिंग ऑफ सूरह इखलास यू नो दैट टच्ड माय हार्ट. मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो गलत है या फिर यू नो आई स्टिल लव दैट फोर लाइंस जो सूरह इखलास की है, जो डिस्क्रिप्शन है, जो गॉड का डिस्क्रिप्शन है, दैट इज परफेक्ट. मतलब यू नो ही उनका कोई लाइक ही इज नॉट अ मेल नाइदर ही इज अ फीमेल, ही इज अ फॉर्मलेस बॉडी बेसिकली. So, I will not explain the whole thing. Basically, तो सूरह इखलास प्लस he kept on saying, मतलब अभी जैसे ही मुझे इंटरेस्ट आ रहा था तो यू नो आई यूज टू आस्क हिम questions, जो मेरे अनआंसर्ड questions थे. सो वॉट आई मीन बाई अनआंसर्ड questions, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मैं questions करती थी, तो जब 21 क्रॉस हुई मैं, और जब यू नो मुझे ये सारी सीरियसनेस के बारे में मुझे पता चला, ये सारी चीजों के बारे में, व्हाट इज सोल एंड यू नो गॉड एंड ऑल दीस थिंग्स, तो मैंने सारे मजहब का तो मैं नहीं बोलूंगी, बट यस लाइक आई यूज टू आस्क क्वेश्चंस टू द स्पिरिचुअल गुरुज इन दैट पर्टिकुलर मजहब. मैं मेरे फ्रेंड के साथ में भागवत गीता के सेशंस में भी जाती थी, वहाँ पे मैंने वो जो वहाँ पे जो भी गुरु थे वहाँ पे मैंने उनको कुछ क्वेश्चंस किया. देन मैं मेरे नेटिव प्लेस गई, वहाँ पे जो हमारे रिलीजन के जो गुरु है मैं उनको लेके मैं बैठ गई. आई टोल्ड के मुझे प्लीज़ थोड़ा टाइम दीजिए आपके स्केड्यूल में से, आई हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स. और बेसिकली ये कोई करता नहीं है, बट दैट गुरु वॉज ऑल्सो शॉक कि यू नो ये ऐसे मुझे बिठा के, एंड मैं लिटरली मतलब पोलाइटली लेकिन मैं नड़ गई, मतलब आई वॉज लाइक आई नीड आंसर्स, तो प्लीज सिट कैसे भी करके. सो ही कुडंट से नो एंड माई पेरेंट्स वेर ऑल्सो देयर. तो मैंने ट्राई किया बहुत सारा, अलग अलग लोगों को पूछ के आई ट्राई टू फाइंड आंसर्स, एंड देन व्हेन आई डिड नॉट गेट एनी कन्विंसिंग आंसर्स आई वॉज लाइक यू नो जाने दो. जब भी मतलब आई गेव इट अप, मतलब मैंने वो छोड़ दिया, होप्स मैंने छोड़ दिए. एंड देन ये जो मैं फैमिली मेम्बर के बारे में बात कर रही हूँ, उनके थ्रू सडनली, मतलब नाइदर ही वॉज इंटेंडिंग कि मैं ये बोलने वाला हूँ, एंड नाइदर आई वॉज इन दैट मूड के चलो आज के दिन हम ये करते हैं. नॉर्मल कैजुअल हम लंच कर रहे थे एंड हम बात कर रहे थे, एंड तो ये सारी जो गॉड की बातें शुरू हुई, तो इसमें फिर सूरह इखलास बोला गया मुझे इनडायरेक्टली. तभी तो मुस्लिम या फिर इस्लाम का वर्ड यूज ही नहीं किया गया था, बिकॉज दैट पर्सन वेरी वेल न्यू के अगर ये मैं वर्ड यूज करूंगा तो यू नो ईदर शी विल गेट एंग्री बिकॉज आई वॉज
फ्रेंकली स्पीकिंग आई यूज टू हेट मुस्लिम्स, यू नो आई वॉज वेरी चूजी इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स ऑल्सो के कैसे फ्रेंड्स चूज करने हैं. एंड हाँ, सो ही डिड नॉट यूज दोज टर्म्स, इस्लाम, मुस्लिम, मोहम्मद, ऐसे कोई भी टर्म्स यूज नहीं किए. बट ही टोल्ड अबाउट बेसिकली वॉट एवर क्वेश्चन आई वॉज लुकिंग आउट फॉर, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बोलते गया. एंड आई ऑल्सो केप्ट ऑन आस्किंग हिम के वॉट विल हैपन गॉड, मतलब आफ्टर सूरह इख़लास फिर जजमेंट डे के बारे में बात हुआ कि यू नो एवरी सोल इज गोइंग टू गेट जस्टिस जजमेंट डे पे. जजमेंट डे को हिसाब किताब का दिन भी कहा जाता है. तो जो भी करेगा वट एवर गुड और बैड उसको वो ही विल लाइक एवरी सोल इज गोइंग टू गेट जस्टिस बेसिकली. तो मुझे ये लॉजिक बहुत अच्छा ललगा. मतलब हु विल नॉट लाइक इट, हु विल नॉट लाइक के अगर मतलब इंसाफी में वाली बात करूँ, आज के जमाने में अगर आप देखो इफ यू ओपन न्यूज पेपर्स एवरीवेयर यू रीड नेगेटिव थिंग्स एंड वेन समवन टेल्स यू के तुमको इंसाफ मिलेगा, हु विल नॉट लाइक इट. सो ऑल दीज थिंग्स यू नो बेसिकली जो भी लॉजिकल जो थिंग्स है ना, ही केप्ट ऑन आंसरिंग माई क्वेश्चन. एंड फाइनली आई आस्क्ड हिम कि ये तुम जो बोल रहे हो ये क्या है, मतलब हैव यू रेड अ बुक और इज देर एनी पर्टिकुलर रिलीजन एंड ऑल. सो देन आफ्टर मी प्रॉम्प्टिंग हिम सेवरल टाइम्स, वो बाद में ही सेड के ओके मैं इस्लाम के बारे में बात कर रहा हूँ. सो आई सेड इस्लाम मतलब हाउ कैन दिस बी सच अ ब्यूटिफुल रिलीजन, बिकॉज मेरे माइंड में तो ये था कि इस्लाम इज अ टेररिस्ट रिलीजन एंड बेसिकली ऑल नेगेटिव थिंग्स. एंड ही सेड कि नहीं ऐसा नहीं है. फिर मैंने उनको पूछा कि क्या आप फॉलो कर रहे हो ये रिलीजन, बिकॉज ही वॉज सो कॉन्फिडेंट एंड ही वॉज डिफेंडिंग इस्लाम और काफ़ी नॉलेज था. तो आई आस्क्ड हिम, सो ही सेड येस आई एम, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ और हमको पता भी नहीं चला, मुझे भी नहीं पता चला. सो जब मैंने ये सारे क्वेश्चन आंसर्स किए तभी मुझे पता चला कि ओके दिस पर्सन इज फॉलोइंग इस्लाम. उसके बाद नाउ ऑफकोर्स ये जो आंसर्स मुझे जो मिले थे आई वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई इट एंड आई स्टार्टेड रिसर्चिंग इस्लाम नेक्स्ट. मतलब because that person has told me and because that person is a family member, मैं इस्लाम एक्सेप्ट करूंगी ऐसा होने वाला नहीं था. बिकॉज एज आई टोल्ड यू मेरा ये है कि आई यूज टू यू नो सर्च, मुझे कंटेंटमेंट चाहिए कुछ भी चीज को फॉलो करने के लिए. सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग और अगर आप रिसर्च करने जाओ ऑफकोर्स यू विल नॉट गो टू अ इस्लामिक लाइब्रेरी. आप जो ईजिएस्ट मोड है विच इज ऑनलाइन आप उस पर ही जाओगे. You will do Google, you will do YouTube, आप उस पर ही रिसर्च करोगे. एंड आई डोंट नो वॉट इट इज बट आप जब भी रिसर्च करते हो डॉक्टर जाकिर नायक के ही वीडियोज आते हैं और पूरा आई विल नॉट से कि पूरा YouTube इज फिल्ड विद जाकिर नायक वीडियोज, बट हिज टॉक्स आर सो अपीलिंग. एंड बिकॉज आई एम अ लॉजिकल पर्सन ही ऑल्सो गेव आंसर्स इन अ वे दैट एवरी लॉजिकल पर्सन वुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम. सो आई स्टम्बल्ड अपॉन हिज वीडियोज. एंड ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आप एक वीडियो देखो और फिर आप दूसरा वीडियो ना देखो, यू विल कीप ऑन, देन इट्स लाइक अ चेन, आप देखते जाओगे. एंड इवन यूट्यूब एल्गोरिथम विल कीप ऑन सजेस्टिंग यू दोज वीडियोज ओनली जो आप देख रहे हो उस टाइम पे. सो ऐसे ऐसे करके मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं कन्विंस हो गई कि यस दिस इज द ट्रू रिलीजन. कब मुझे ऐसे लगा कि यस दिस इज द ट्रू. ओके गिव मी वन मिनट गाइस, देख रहे हो आप लोग देख रहे हो कि डॉक्टर जाकिर नायक MBBS का जो पूरा षड्यंत्र है वो कितना फैला हुआ है, कैसे कैसे मतलब पढ़े लिखे लोग भी इसके चक्कर में आ जाते हैं. और टीना जी के साथ भी वही मामला हुआ. मैं यहाँ पे अब कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ. बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज समझना जी, डिसेप्शन से इस्लाम फैलता. जितनी चीजें जाकिर नायक की कही हुई है उसमें लॉजिकल पॉइंट उनके बड़े अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही वो इस्लाम को उस लॉजिक में फिट करने की कोशिश करते हैं ना, वहां पे उन्होंने हर मौके पे झूठ बोला हुआ है, हर मौके पे. लाइक देयर इज अ हार्डली एनी वीडियो, अगर उनकी कोई वीडियो 5 मिनट की है ना तो कम से कम उसमें 5 झूठ है. यानी मेरे पास दुनिया का कोई भी मोमिन जाकिर साहब की 5 मिनट की वीडियो ले आए उसमें लाजमन 4 से 5 झूठ होंगे. क्यों? अगर उन्होंने इस्लाम के बारे में बोला, अगर 5 मिनट में सिर्फ लॉजिकल बात ही कर रहे हैं ना, विच हैज नथिंग टू डू इस्लाम के साथ, उन्होंने अभी को रिलेट नहीं किया, किसी आयतों को नहीं बयान किया, तो दैट्स अ सेपरेट थिंग. लेकिन आयतों को बयान जैसे ही करने के लॉजिक में डालेंगे उनमें 4-5 झूठ बड़े आराम से 5 मिनट में होंगे. दैट्स तो ये एडम मतलब आप बोलना ये चाह रहे हो कि आम इंसान जो है वो ये चीज नहीं समझ पाता एंड ही फॉल्स और ही और शी फॉल्स इनटू दैट ट्रैप.
एग्जैक्टली क्यों नहीं समझ पाता, क्योंकि देखिए आम इंसान जैसा टीना जी है, इन्होंने कुरान को पढ़ा ही नहीं हुआ, इन्होंने ना इन्होंने कुरान की मुख्तलिफ ट्रांसलेशन नहीं पढ़ी हुई, नाजरा नहीं पढ़ा हुआ, तो इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो सिर्फ वीडियो सुन रही है। और बेसिकली जो सूरह इखलास अगले ने सुनाई इनको, वो सूरह इखलास भी बहुत बड़ी बोंगी के साथ ट्रांसलेट करते हैं। अगर आप उसके कुरान में बहुत सारे अल्फाजात ऐसे हैं जो कि अरबिक ओरिजिन से है ही नहीं, लिहाजा उस एक एक लफ्ज के 10-10 मीनिंग इस वजह से बन जाते हैं असल में, क्योंकि वो अरबिक ओरिजिन के नहीं है। तो हुआ क्या, एक स्कॉलर ने अपने जमान अपने एरिया में रहते हुए अपने इर्द गिर्द वाली जुबान में जो नजदीक तरीन उसका मीनिंग था वो डाल दिया, दूसरे ने दूसरे एरिया में रहते हुए करीब तरीन जो कुछ बनता था वो डाल दिया, तीसरे चौथे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन रियलिटी कुरानिक अरबिक में मीनिंग इस वजह से एक्स्ट्रा निकलाते हैं कई लफ्जों। ओके, सो व्हाट विल डू एडम, पहले टीना जी कैसे पूरा ट्रैप में आई वो पहले समझ लेते हैं। सो टीना जी, आप जाकिर नायक का वीडियो आपने देखना स्टार्ट किया और लाइन बाय लाइन आप वो वीडियो देखती गई देखती गई देखती गई, आपको लॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो है वो सही लगने लगे, कि ऐसा हो गया कि आपको पता भी नहीं चला कि कब आपने आपको ये मजहब जो है इस्लाम वो सच्चा लगने लगा। जी करेक्ट 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 एब्सोल्युटली। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि मुझे एक फैक्टर ने, ये भी एक फैक्टर है, मैंने जब ये सारा रिसर्च किया ना तभी ऐसा भी हुआ था कि जो श्री श्री रविशंकर गुरु जो है उनको शायद से जाकिर नायक ने चैलेंज किया था डिबेट के लिए, ही हैड इनवाइटेड हिम, एंड देन पता चला कि डिबेट हो गया एंड श्री श्री रविशंकर हैड आस्क्ड हिम टू डिलीट द वीडियो बिकॉज हमारे मतलब ऐसे सुनने में मुझे आ रहा था कि बिकॉज वो हार गए डिबेट और समथिंग लाइक दैट, एंड दैट्स द रीजन ही आस्क्ड जाकिर नायक टू रिमूव द वीडियो एंड ऑल। तो एक ये फैक्टर है, और दूसरा ये फैक्टर है कि दिस इज हाउ आई थॉट कि एक इंसान जब एक इतने बड़े स्टेज पे आके व्हेन ही इज saying something about religion openly and not about one religion but about many religions, he will not just tell you about Islam, he'll tell you about other religions, aur bahut sare logo ko apne religion ke bare mein wo Zakir Naik se milta tha knowledge. To when I started you know watching his videos, so ye impression built up ho jata hai consciously or subconsciously, ye built up ho jata hai ki अ मैन जो खुलेआम स्टेज पे यू नो एकदम ब्रेव हार्टेड, मतलब क्या बोले, जो सच है वो तो निडर लोग होते हैं, तो यू नो ये थोड़ा थोड़ा ऐसे आने लगा कि फिर तो वो सच ही बोलते होंगे ये। नाउ आई रियलाइज दैट दिस वाज सच, मतलब मेरे साइड से कितना बड़ा ये फूलिशनेस बोलो या फिर जो भी बोलो, मतलब आई हैव लर्नड अ लेसन कि ऐसा नहीं होता है, चाहे कोई कितना भी ओपन स्टेज पे बोले या फिर कितना भी भौंक के बोले कॉन्फिडेंटली बोले, यू ऑलवेज हैव टू डू योर रिसर्च बिफोर यू एक्सेप्ट समथिंग इन योर लाइफ। तो ये भी एक था, ये भी एक पॉइंट, ये भी दो पॉइंट्स थे जो मैं जिसके झांसे में आ गई आई वुड लाइक टू से। एंड लॉजिकल तो था ही, जैसे मैंने आपको बोला मुझे बहुत अपील कर रहा था लॉजिकली, इट यूज टू अपील मी, जैसे जजमेंट डे है। अभी मैं जो रिलीजन से आती हूँ ना वहां पे इतना क्लैरिटी नहीं है, I would not like to reveal which religion I was in, but इतना clarity वाले answers कोई भी religion में ना मुझे ऐसे मिला नहीं कि जो who will tell कि yes we will give you your answers, you know, so in a such a receptive manner के welcoming manner के आप easily मतलब find out कर सको। वो मुझे तो Islam ही दिखा, मतलब you know Islam में easily मुझे available थे सारे videos, and plus Zakir Naik science से भी compare करते हैं, तो again logical. And science is my favorite subject. Science बहुत मुझे what is that appealing था? नहीं नहीं, science मुझे बहुत ना intricate करता था, और भी मुझे जानने के लिए like who is the God, you know? Like if you just see normal vegetable, अगर आप मटर देखो, so how they are nicely covered in one shell, एक pod होता है, तो ये always you know ये always मेरे दिमाग में ऐसे होता था कि यार ये like we हम लोग जो अर्थ प्लैनेट पे है, इट इज जस्ट एट द राइट डिस्टेंस, ना ही ज्यादा हीट एयर ना ही ज्यादा कोल्ड एयर, जस्ट एट द राइट डिस्टेंस फॉर द लाइफ टू इवॉल्व हियर। तो ये कैसे हो सकता है? नाउ वी नीड एयर वाटर ऑक्सीजन, एग्जैक्टली वही सारी चीजें अर्थ पे है, यू नो। तो ये सारा जो क्वेश्चंस मुझे ये सारा था, तो
जैसे इस्लाम में है मोनोथिज्म के एक ही गॉड है, तो दैट दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स विच अपील कि एक गॉड मोनोथिज्म, देयर इज नो अदर गॉड. और आप किसी को भी पूछ लो, अगर कोई आइडल वर्शिपर भी है वो भी बोलेगा कि यस मूर्ति के अंदर भगवान नहीं होता, बट वी जस्ट नीड अ मीडियम. तो मैंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया कि यस आइडल्स में भगवान नहीं हो सकते, दिस इज राइट, इस्लाम इज राइट. तो ऐसे करके ना टिक 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 कब मैं पूरी तरीके से कन्विंस हो गई मुझे नहीं पता चला. एंड आई वॉज बाय द टाइम आई वॉज सो श्योर कि मुझे एक ऐसा फीलिंग आ गया कि यस दिस इज इट. जैसे वो रेमो डिसोजा नहीं करता है वो इन दिस रियलिटी शो दिस इज इट वाला, सो आई जस्ट गॉट दैट फीलिंग दैट यस नाउ अब मुझे और भी और कोई मतलब यू नो आई डोंट हैव टू सर्च मोर, आई फाउंड माय डेस्टिनेशन, दिस इज माय रिलीजन, ये मेरा खुदा है, ये मेरा गॉड है, अब मैं सब कुछ करूंगी जो भी वो कहता है या फिर बिकॉज व्हेन यू चाहता है. हाँ जब भी आप व्हेन यू फाउंड अभी फॉर मी आई फाउंड द ट्रू गॉड. तो नाउ ऑफ कोर्स ना आप जिसको भी आप प्यार करते हो, आपके कोई भी फैमिली मेंबर हो, अभी ये तो गॉड है, आई हैव फाउंड गॉड. ठीक है, आप किसी को भी अगर प्यार करते हो तो आप उसके लिए करोगे ना, यू विल नॉट जस्ट टेक टेक टेक, यू विल गिव. आप टेक का तो बाद में सोचोगे बट यू विल गिव, दैट इज हाउ वी ह्यूमंस आर बिल्ट. सो व्हेन आई फाउंड दैट आई This is my destination, और अल्लाह ही ये खुदा है, ये एक गॉड है, इस्लाम ही सच्चा रिलीजन है. और मेरे को ये भी फीलिंग आ गया था कि हाँ मैं ऐसे ही फॉलो नहीं करूँ, मैंने तो रिसर्च किया. रिसर्च मीन्स वॉचिंग जाकिर नायक वीडियोस. आपने कहा कि आपने फाइंड कर लिया गॉड को, और yes. क्या आपने कुरान को किसी भी ट्रांसलेशन में खुद पढ़ा था? I did not touch Quran. मैंने कुरान तो मैंने टच भी नहीं किया था बिकॉज जब एक I will not say कि मैं तब रिवर्ट हो चुकी थी, मैंने शहादा भी नहीं लिया था. तो जब तक मैं मुस्लिम नहीं हूँ तो मैं क्यों कुरान को टच करूँ और मैं कहाँ से कुरान मंगाऊँ? There are no sources. I did not have any Muslim friends. Okay. तो ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा व्यूवर्स को कहना चाहूंगा कि जो भी व्यूवर या वो कहे कोई भी मुस्लिम कोई भी सर्च कर रहा और कह रहा हूँ मैंने वीडियोज देखी है इस्लाम मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी बिनती है सबसे एक दफा कुरान को ओपन माइंड से इस्लाम में दाखिल हुए बगैर इस्लाम से बाहर बैठे हुए कुरान को ओपन माइंड से एटलीस्ट पढ़ लो. और सबसे इंपॉर्टेंट सूरा, अगर आप फीमेल हो तो आपने सूरा निसा पढ़नी है जिसका नाम ही है औरत, जिसके ऊपर मुसलमान ये कहते हैं कि देखो हमने औरतों को कितनी इज्जत दी है कि कुरान में एक सूरत है जिसका नाम है सूरत निसा, औरतों को पूरी सूरत दे दी है. भाई वो जो सूरत है ना इज्जत वाली, उसको एक दफा पढ़ लो फिर बताओ कि किसी औरत ने कभी मुसलमान होना है, उस सूरत को सिर्फ पढ़ लो एक दफा. मैडम एक्चुअली क्या होता है ना कि एक डर होता है ना कि बाद मर गए उसके बाद क्या, तो वो आफ्टर लाइफ वाला डर भी काफी लोगों को होता है, समझे आप? हाँ, तो हो सकता है कि इनको हाँ दैट मेक्स सेंस नाउ बिकॉज़ वो उन्होंने पहले बर्निंग का कहा था ना, बिकॉज़ कुछ लोग ये भी लेके आते हैं यार हिंदू जो है ना वो बॉडी जला देते हैं, हम देखो हम कितना दफनाते हैं. लाइक व्हाट्स द डिफरेंस मैन, इसमें फर्क क्या है यार? बुलशिट एक्चुअली, व्हाट्स द डिफरेंस? ठीक है, फिर आपने आपको ये लगा कि इस्लाम ही सबसे सही है और आपने इस्लाम कबूल कर लिया, उसके बाद क्या आपने अपने घर वालों को ये बताया कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया है, डिस्क्लोज किया आपने ये डिसीजन? हाँ तो यस मैंने किया. एंड माई फैमिली मेम्बर्स एज आई टोल्ड यू दे वर वेरी लिबरल और उनको एक्चुअली जरा भी ऐसा लगा नहीं कि मैं सीरियस हूँ या समथिंग लाइक दैट. तो दे डिड नॉट रियली रिएक्ट अबाउट इट, बट मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि मैं कुछ करूँ उससे पहले आई टेल माई फैमिली मेम्बर्स ऑनेस्टली, बिकॉज ये एक ऐसा डिसीजन था कि जो इट्स नॉट कि मैं चुपचाप अपने कमरे में कर लूँगी तो किसको पता नहीं चलेगा. दिस वॉज लाइक अ बिग डिसीजन इन माई लाइफ, बहुत सारे डिसीजंस, मेरा लाइफ स्टाइल सब कुछ चेंज होने वाला था. सो माई फैमिली नीडेड टू नो एंड बिफोर आई कुड यू नो प्रोसीड अहेड आई वॉन्टेड थिंग्स टू बी क्लियर. So yes, I did disclose this thing to my family members. Okay, so how was their reaction? हाँ, I told ना कि उनको कुछ they felt they took it very casually. उनको ऐसा कुछ लगा नहीं कि आगे जाके you know I'm going to be so serious and उनको ऐसा कुछ भी नहीं लगा. I was like कि हाँ ये मैं कर रही हूँ, मुझे बहुत ये लग रहा है, interesting लग रहा है, you know I'm doing this and I don't believe in idols anymore. तो उनको ऐसा कुछ नहीं लगा. देवे वैसे भी देवे वेरी
लिबरल, जो करना है आप करो, बट हाँ अगर वो टाइम पे उनको ऐसा लगता था कि ये सीरियस है ना, तो वो ऑफ कोर्स मुझे रोकते थे, बट दे डिड नॉट टेक इट सीरियसली, और शायद से मैंने भी ऐसे ही कैजुअली बोल दिया होगा। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कन्वर्ट्स डील विद देयर फैमिलीज आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम। तो बेसिकली द आंसर इज के अ कन्वर्ट इज अ वेरी सेंसिटिव एंड वो एक काइंड सोल बन जाता है, इफ नॉट तो वो एकदम काइंड बन जाता है। कन्वर्ट को बोला भी जाता है कि नाउ यू हैव टू बिहेव इन अ वेरी, यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ वेरी गुड मैनर, कि आपके अखलाक को देख के आपके पेरेंट्स भी यू नो ये फोल्ड में आ जाए, आप उनको जहन्नम की आग से बचाओ। तो एक कन्वर्ट के अंदर फियर आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि पेरेंट्स का कभी भी डेथ हो, अगर वो डिसबिलीफ के इसमें अगर उनकी मौत हो गई तो यू नो बहुत एक कन्वर्ट एवरी डे, मतलब एवरी डे एक पेन के अंडर एक कन्वर्ट रहता है। एट द सेम टाइम अगर आप इस्लाम के बारे में या फिर अल्लाह के बारे में बोलो कि तुम जो भी कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, वो कन्वर्ट नहीं सुनेगा। तो एक साइड वो इमोशनल है, काइंड है, वो पेरेंट्स के लिए बहुत सोचता है, बट एट द सेम टाइम अंदर फर्म होते जाता है, इस्लाम के लिए जो फेथ है वो फर्म होते जाता है। मैं भी कई सारे कन्वर्ट्स को जानता हूँ, क्योंकि जाकिर नायक के ऑर्गेनाइजेशन से आप यानी जाकिर नायक के अगर आप बहुत बड़े फैन है और एहलेती जमात में है तो आपको कई सारे कन्वर्ट्स मिलेंगे, यानी जो पहले हिंदू थे वो मुसलमान हो गए, और बड़ी शिद्दत से जो मुसलमान होते हैं बड़ी शिद्दत से फॉलो करते हैं वो, यानी जो एक भाई बट जो मुसलमान है वो जितना फॉलो नहीं करेगा इस्लाम को, नमाजें जितनी सीरियसली नहीं लेगा, उससे ज्यादा सीरियसली कन्वर्ट्स लोग या रिवर्ट्स लोग लेते हैं इस्लाम को। तो उनके साथ ये मामला होते रहता है कि घर में अगर फैमिली हिंदू है या क्रिश्चियन है तो उनके जो त्योहार है और उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर नमाज पढ़ने का मामला है तो छुप छुपा के नमाज पढ़ रहे हैं, जानिमाज किधर छुपा रहे हैं, अपने रूम में पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत सारी दिक्कतें जो है इनको होती है, लेकिन इनके अंदर इतना ईमान हो जाता है कि बाइबल जो मुस्लिम होता है उससे ज्यादा ईमान और उससे ज्यादा इनके अंदर वो इंटेंसिटी आ जाती है इस्लाम की। कि एक होता है कि दिखावा करना और एक होता है कि उसने दिल में इसको इतना सच्चा मान लिया है कि अब ये सोचता है कि यार मैं एक लकी पर्सन हूं कि हिंदू फैमिली में या क्रिश्चियन फैमिली में मैं पैदा हुआ था, लेकिन आई एम द चोजन वन। यस, अभी भी एक बंदा है जो रिवर्ट हुआ था और मेरे दुकान के बाजू में ही उसका मतलब एक 10-12 दुकान छोड़ के उसका दुकान है, और मेरे को इतना अच्छा मानता था वो, और इतना मुझे मतलब कहते ना कि एक वो फिगर के यार इनको देख के कुछ सीखना चाहिए ऐसा मानता था, वो मुझे आज गालियां दे रहा है कि तुम गुमराह हो गए, तुम पैसों के लिए कर रहे हो, तुम ये कर। मैं बोला भाई कम से कम तू एक जो है गंदगी में तू गया है, कम से कम उसको सोच तो सही, थोड़ा दिमाग तो चला, तो उसको दिमाग विमाग कुछ नहीं चलाना है भाई, अल्लाह ने हमको निकाला है इसमें से, अल्लाह ने हमको सही रास्ता दिखाया। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दीज गाइज दे फील दैट वी आर द चोजन वन, हम एक गैर मुसलमान फैमिली में होते हुए अल्लाह ने हम पे रहम किया, हमको हिदायत दी, इस वजह से वो लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। टीना जी मैं सही कर रहा हूँ ये? यस यस, इनफैक्ट जब मैंने ये एक्सेप्ट किया था रिलीजन, तो चाहे कन्वर्ट को ये पता हो कि ना हो ये वर्स के बारे में, बट देन मुस्लिम्स बोलते हैं इस बारे में कि माशाल्लाह यू आर वेरी लकी, आप जहन्नम की आग से आप बच गए और अब आपके पिछले सारे गुनाह माफ, यू नो। सो आई वाज लाइक ओ ये भी है, मुझे नहीं पता था। एंड देन सेकंड थिंग इज दिस कि यू आर द चोजन वन, आई सेड मतलब देन दे यूज टू एक्सप्लेन कि हाँ ये कुरान में है कि यू आर द चोजन वन, अल्लाह चुनता है, आपने नहीं चुना है, अल्लाह ने आपको चुना है। सो व्हेन यू पॉन्डर अपॉन देयर वर्ड्स ना, आप जब सोचते हो कि वो सामने बोल रहे कि अल्लाह ने आपको चुना, मतलब मेरे दिमाग में तो ऐसा था कि अल्लाह इज द क्रिएटर, आई एम हिज क्रिएशन, तो मतलब सारे जहान का मतलब क्रिएटर्स का भी जो क्रिएटर जो सबसे किंग है उसने मुझे चुना, ओ मतलब मेरे में कुछ है यू नो बात। सो आई वाज लाइक ओ ओके देयर इज समथिंग, इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम है टीना, इसमें कोई प्रॉब्लम है, दिस इज अ स्कैम, लेट इट नॉट बी स्कैम, लेट्स जस्ट थिंक ऑफ इट एज इज, लाइक इसको बिल्कुल ऐसे ही लो। अगर अल्लाह ने ही चुन के रखना था, करना ही ऐसे था,
तो फिर अल्लाह इसका मतलब है फ्री विल गई, इंटरप्रेट कर रहा है, यस इंटरप्रेट कर रहा है इन दिस वर्ल्ड हाउ टू रन हिज बिजनेस. फ्री विल इज गॉन, यू आर डन, गॉन, इट्स गॉन. सेम इज द केस कि अगर सॉरी सॉरी साहिल भाई सॉरी, नहीं नहीं यू यू आप कंप्लीट करो फिर मैं बोल देता हूं ताकि आप उसको और थोड़ा ऐड भी कर दो अपने तरफ से कि ये चीज जो है ये जिसने एक्सेप्ट किया उसका दिमाग कहाँ चलता है भाई, वो डम्ब हो गया अभी, उसका दिमाग नहीं चल रहा है. ये सोचने वाले लोग के लिए exactly. समझ रहा है, हाँ कंप्लीट कर तू exactly. क्योंकि देखिए अल्लाह ने आपको चुन लिया है तो भाई सबको क्यों नहीं चुना, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है कि अगर मैं चाहता तो हर एक को दीन इस्लाम पे ले आता, लेकिन मैं ऐसा चाहता ही नहीं. अल्लाह क्यों नहीं चाहते, क्योंकि अल्लाह फिर दोबारा कुरान में कहता है क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को जहन्नम के लिए ही बनाया है, जिनों को और इंसानों को, खाली इंसानों को नहीं, बहुत सारे जिन भी अल्लाह ने सिर्फ जहन्नम के लिए बनाया. तो इन रियलिटी अगर देखा जाए तो अल्लाह की सुप्रीम इस वक्त ऐसे लग रही होती है कुरान को पढ़ते हुए कि हम सारे कठपुतलियां हैं और अल्लाह के हाथ में डोरी है और वो चला रहा है. तो अगर ऐसा है तो फिर जहन्नम का अजाब नहीं अल्लाह दे सकता, क्योंकि वो कठपुतली के जो धागे हैं वो तो अल्लाह के हाथ में है. फिर अल्लाह कुरान में ही कहता है कि इन मुशरिकों को, इन काफिरों को तुमने नहीं कत्ल किया, मैंने कत्ल किया. अल्लाह कत्ल का ब्लेम भी अपने सर पे ले रहा है, यू नो. सो बेसिकली अल्लाह ही कत्ल कर रहा है, अल्लाह ही कातिल है, अल्लाह ने ही चोज किया है, और अल्लाह ही गुमराह भी कर रहा है, और अल्लाह कह रहा है कि मैं ही हूं जैसे. तो भाई फिर आखिरत क्यों है, फिर जन्नत और जहन्नम exactly. क्यों है, सब फिक्स है, इट्स अ फिक्स गेम एक्चुअली. हाँ वो क्या कहते थे यार से, वो जब वो कोई गेम होती है उसमें फिक्स होते थे, क्या कहते हैं यार हिंदी उर्दू में, क्रिकेट मैच अगर फिक्स किया हो तो क्या कहते हैं, धांधली, धांधली है भाई, सब धांधली है सब धांधली है यहाँ पे. ओके मुझे अभी तक आपका पहले सवाल का पूरा जवाब नहीं मिला कि ये अपनी फैमिलीज के साथ कैसे बिहेव करना शुरू हुई, वो जवाब अभी तक मैं सुनने को बेताब हूँ, मुझे मिला नहीं. ओके आपका बिहेवियर कैसा था फैमिली के साथ टीना जी? मेरा बिहेवियर इट वॉज नॉर्मल, मतलब आई वॉज ट्राइंग टू, जैसे सब लोग बोलते थे कि अपने अखलाक से आप उनको इम्प्रेस करने का कोशिश करो, तो मेरे को ना ये चीज थोड़ी पता नहीं अंदर से आई कुडंट रिलेट टू दिस थिंग. हालांकि मैं डाउट नहीं करती थी, लेकिन मैं जस्ट टू इम्प्रेस देम, मुझे ये थोड़ी फेक जैसी ये सेंटेंस लग रहा था. लेकिन टीना जी कहीं ना कहीं आपके दिल में ये बात तो चल ही रही होगी कि किसी तरीके से आपके जो माँ बाप है, पेरेंट्स है, वो भी इस्लाम कबूल कर ले ताकि वो हमेशा के लिए जहन्नम में ना जाए. डेफिनेटली है ना, और ये हर एक रिवर्ट कोशिश करता है या उसकी एक चाहत होती है कि मेरे माँ बाप जो है वो भी इस्लाम कबूल कर ले. यस यस, तो वो प्रैक्टिकली भी ट्राई करता है और वो दुआ में भी वो चीज को अव्वल, मतलब वो प्रायोरिटी के तौर पे रखता है, क्योंकि फैमिली बहुत क्लोज है, यू नो. तो आपको आपको ना अब चाहे इस्लाम आपको बोले या ना बोले कि आप दूसरे लोगों को दावा दो, लेकिन जब आप ये चीज बिलीव करने लग जाते हो कि सच में यू नो आफ्टर डेथ जो जिसने भी एक्सेप्ट नहीं किया है वो जहन्नम में जाएगा, अगर उनको मैसेज पहुंच गया है एंड फिर भी अगर वो रिजेक्ट कर रहे हैं, तो देन दे विल बी अ पार्ट ऑफ हेल फायर फॉर एवर. तो एज अ ह्यूमन बींग यू विल ट्राई टू सेव देम ना, इवन इफ इस्लाम डजंट गाइड यू, इफ डजंट वो कमांड नहीं है चलो फॉर एग्जाम्पल, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अब मैं तो आ गई हूँ ये फोल्ड में, मैंने अपने आप को बचा लिया, लेकिन नाउ आई विल ट्राई कि मैं दूसरों को भी यू नो ट्राई करूँ दावा देने का और मैं उनको भी बचा लूँ जहन्नम की आग से. तो ये तो डेफिनेटली होता है फॉर पेरेंट्स एंड फॉर क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जो भी है, सबके साथ लाइक रिवर्ट सबके साथ ये ट्राई करता ही है. कितनी शिद्दत से आप इस्लाम फॉलो कर रही थी और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आए आपके? मैं जैसे जैसे ये नॉलेज लेती जा रही थी इस्लाम के बारे में, तो एक तो चीज ये पक्की थी और जो मेरे टीचर्स भी मुझे बोलते थे और सभी लोग आसपास के, मतलब इन शॉर्ट पूरा एनवायरमेंट ही मुस्लिम का ऐसा था कि सिर्फ इल्म नहीं लेना है, आपको अमल सोलेहा भी करना है, मतलब यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल्सो, मतलब आपको एक्शंस भी करके प्रूव करना है, ऐसे सिर्फ शहादा पढ़ के मतलब आप सेफ हो गए ऐसा नहीं होता है, आपको अभी नमाज पढ़नी होती है, आपको ये करना होता है, आपको वो करना होता है, और अब आपको हिजाब पहनना होता है. अगर आप हिजाब के लाइक इवन इफ यू आर रिवर्ट एंड यू नो इफ यू गो विदाउट हिजाब फॉर स्टार्टिंग फ्यू ईयर्स और मंथ्स, तो स्टार्टिंग में आपको सब सपोर्ट करेंगे कि हाँ ठीक है चलो चलो, बट देन एट द सेम टाइम वो आपको थोड़ा पुश भी करेंगे कि ना यू स्टार्ट वेयरिंग हिजाब, ना यू स्टार्ट कवरिंग योर सेल्फ, अल्लाह का हुक्म है औरतों के लिए. तो आपकी ये माइंड में ये ड्रिल किया जाता है, कर दिया जाता है कि ओके आप अगर इंटेंट नहीं भी कर रहे हो ना, तो भी आपको ये एक रिमाइंडर जैसे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है कि यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, यू हैव टू
यू नो बी अ मुस्लिम नाउ ऐसे. तो स्लोली स्लोली तो आई स्टार्टेड मैंने सारे जितने भी मेरे जो पैंट्स जो शर्ट्स जो वेस्टर्न क्लोज में जो पहनती थी वो सारो वो तो मैंने उसको ऐसा ऐसा निकाल दिया. एंड देन आई यूज टू ऑर्डर लाइक यू नो लूज अनारकली ड्रेसेस विच आई वुड नॉट से एकदम टोटल सब्स्टिट्यूट है बुरखा या फिर अबाया का, बट फॉर अ रिवर्ट ये एक पॉसिबल ऑप्शन है जस्ट फॉर स्टार्टर्स. और मुझे ये भी बोलते थे मेरे कलीग मतलब जो फ्रेंड्स होते थे वो भी मुझे बोलते थे कि एकदम से चेंज नहीं होना है आपको, वो पॉसिबल भी नहीं है. कुरान भी स्लोली स्लोली उसकी आयतें रिवील हुई थी 27 साल और समथिंग लाइक दैट. तो वो मुझे ये एग्जांपल देते थे कि अचानक से तो कुरान भी नहीं पूरी रिवील हुई है, तो इट्स ओके टेक टाइम स्लोली स्लोली आप कदम बढ़ाओ. तो आई यूज टू टेक दैट एडवाइस वेरी सीरियसली. एंड स्लोली स्लोली जैसे मैंने सबसे पहले मैंने क्लोदिंग पे मैंने ध्यान दिया, फिर मैं दुपट्टा मतलब मैं स्कार्फ तो नहीं पहन सकती हूँ बिकॉज आई यूज टू स्टे इन अ नॉन मुस्लिम एरिया. तो मैंने जैसे मैंने स्लोली अनारकली ड्रेसेस लूज मतलब यू नो एक दो साइज लूज वो लूज पहनने लगी. वेस्टर्न तो मैं पहनती ही नहीं थी. और फिर आई यूज टू टेक दुपट्टा ऑन माई हेड, नॉट लाइक अ हिजाब बट जस्ट एक बोलते ना एक स्टेप अहेड, एक स्लोली स्लोली जैसे मैं दुपट्टा सर पे लेने लगी. एंड आफ्टर सम ईयर्स मतलब जब मैंने कुरान के क्लासेस में जब ज्वाइन किया तफसीर का, एंड तब मेरा ईमान इतना हाई हो गया कि मैं प्रॉपर मतलब भले मैं बुरखा नहीं पहनती थी बट आई यूज टू ऑर्डर दीज लॉन्ग मैक्सी ड्रेसेस जो फुल स्लीव्स हो, वो अबाया का जैसे ही काम करता हो बट इट यूज टू बी प्रिंटेड मैक्सी ड्रेसेस नॉर्मल जो नॉर्मल साइड वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगे इजिली. और मैंने दुपट्टे ऐसे रखे थे कि वो मैं पिनअप विनअप कुछ नहीं करती थी, लेकिन आई यूज टू मेक श्योर के जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है कवर अप होने का वो मैं पूरा करूँ. तो वो मैं ऐसे मतलब यू कैन से जुगाड़ इज द करेक्ट वर्ड, वो जुगाड़ करके मैं कर लेती थी. तो ये चेंजेस किया. और नमाज भी पढ़ती थी आप पांचों वक्त की? Yes, so initially I used to not say like Surah Fatiha and everything, but I just used to say Allahu Akbar ऐसे से करके. But then मैं slowly slowly I reached a point wherein मैं पांचों time की मैं नमाज मैं पढ़ना शुरू कर दिया था मैंने. और आहिस्ता मतलब yes मैं इस चीज में अगर मैं बोलूँ तो मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. I always intended कि अब मैं इसमें घुसी तो मुझे अभी शिद्दत से ये चीज करनी है, whether it is नमाज या फिर जो भी है वो मुझे अभी आहिस्ता आहिस्ता मुझे करना है. I have to mold myself into this. तो इसमें भी जैसे आपने नमाज पांचों वक्त की पढ़ना शुरू किया, आपने सीखना शुरू किया नमाज कैसे पढ़ते या कुरान सीखना शुरू किया, इसके बाद आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल था वो आपने चेंज किया, जो आपके जो वेस्टर्न ड्रेस थे उसको आपने निकाल दिया फेंक दिया और अनारकली या लूज ड्रेस में आप आ गए. और भी लिस्ट बहुत लंबी है उस और इसमें गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मतलब क्या क्या चेंजेस लोगों को लाने पड़ते हैं वंस दे एक्सेप्ट इस्लाम और फिर वो निकलने के बाद ये फुलिशनेस लगता है. जैसे कि अभी अब मैं आपसे पूछूं जैसे मिसाल के तौर पे इस्लाम में आप आईब्रो भी नहीं बना सकती है तो जब तक आप इस्लाम में थी आपने फिर आईब्रो बनाया या नहीं बनाया? क्योंकि छोटी छोटी चीजें भी मतलब औरतों के लिए आईब्रो जो है ये तो बहुत कॉमन सी चीज है और हो सकता है कि उनको उसके बिना चले भी नहीं बहुत से लोगों को, लेकिन आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हो और अगर अच्छे से फॉलो करना चाह रहे हो तो आप आईब्रो भी नहीं बना सकते हो. तो ये भी सैक्रिफाइसेस आपने किया था कि आईब्रो बनाना ही छोड़ दिया, अब लुक मैटर ही नहीं करता आपके लिए. यस, सो सी जैसे जैसे मैं ये नॉलेज लेते जा रही थी और मुझे अगर लग रहा था कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, इट्स नॉट टू टफ फॉर मी, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट यू नो आप जब एक नॉन मुस्लिम फैमिली के साथ रहते हो और आपको एक इस्लामिक पूरा आपको अडाप्ट करना पड़ता है लाइफस्टाइल, तो इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग. एंड सबसे फर्स्ट पहली बात तो ये कि आप फ्लेक्सिबल उसके लिए आपको होना चाहिए, अदरवाइज यू विल स्टिक टू योर प्रीवियस लाइफस्टाइल ओनली. ऐसे भी मैंने कुछ रिवर्ट्स देखे जो अभी तक नहीं इतना अपने आप को चेंज कर रहे थे, दे वर टेकिंग देयर ओन स्वीट टाइम. सो आई एम नॉट सेइंग के एक पर्टिकुलर टाइम होता है, बट मैं अगर अपने आप को देखूं तो मैं काफी स्पीड से जा रही थी. स्पीड मतलब आई ऑल्सो टुक माई ओन टाइम, बट मैं कर पा रही थी जितना मुझे समझ में आ रहा था. लाइक व्हेन आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम मुझे पता चला कि अभी इंटरेस्ट आराम है,
बिफोर आई डिड नॉट नो दिस थिंग. तो मेरे मैंने फिनेंसिस में से मैंने वो भी देखा कि अभी अगर जो भी इंटरेस्ट है वो पूरा साइड में करके मैंने आई जस्ट गेव इट ऑफ लाइक दैट. बिकॉज अब एक बार पता चल गया ना कि यही ट्रू रिलीजन है, अल्लाह ही सही खुदा है, यही ट्रू गॉड है, तो देन देर इज फिर जो भी मैंने सेक्रीफाइसेस किया उसमें घड़ी घड़ी आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट इस्लाम क्या ये सही रिलीजन है या नहीं. फिर मुझे सिर्फ यही दिख रहा था कि ओके ये अल्लाह को नहीं पसंद, ओके आई विल ट्राई माई बेस्ट, नहीं होता है तो आई स्टिल गिव माई सेल्फ टाइम बट आई विल डू दैट. तो ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है, मतलब यू नो मैं अगर वो सब बोलूंगी ना तो सीरियसली मुझे लगता है कमेंट्स में मुझे गालियां पड़ेंगी कि क्या बेवकूफ लड़की है, इसने क्या कर दिया है. ऑलरेडी आई एम सीइंग रीडिंग कमेंट्स. तो इतने सारे आपने सैक्रिफाइसेस किए, अपनी एक खुली जिंदगी जो आपकी थी उसको आपने कैद कर लिया पूरी तरीके से, और आप हर वो चीज करती रही जो यानी जो आप थी उससे हटके आपने अपने आप को बना लिया. तो ये बड़ा अजीब सी बात है और यही चीज होती है. अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी कुरान के बारे में क्या राय है. Before that, can I tell few things about the sacrifices which I think people should know? भले वो उनको मैं stupid लगती हूँ, I don't care. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. अगर कोई एक भी अगर कोई सुने and अगर उनके घर में ऐसा कुछ चल रहा है या फिर वो ऐसे अगर ये कोई video वहाँ तक पहुँच जाए जो इस्लाम के बारे में research कर रहा है, then you know I'll be very grateful कि I could save one life. सो सैक्रीफाइसेस के बारे में बात, तो एक तो मैंने आपको ड्रेसिंग के बारे में बोली एंड देन स्लोली स्लोली ना क्या होता है कि एक रिवर्ट अपने आप को आइसोलेट कर देता है, वो करना पड़ता है. बिकॉज एक तरफ आप इस्लाम को अपने लाइफ में ला रहे हो और दूसरी तरफ आप अपना पास्ट के साथ मतलब जो भी फ्रेंड्स हो आपके साथ और जो भी आपकी जो पास्ट की लाइफ है ना, आप दोनों एक साथ नहीं लेके चल सकते हो. इधर यू हैव टू चूज इस्लाम lifestyle or you have to use पहले की lifestyle and friends. So एक revert ना एकदम isolate हो जाता है और वो ऐसे उनके दिमाग में ऐसा आ जाता है कि isolate तो of course वो हो गया है, parents के लिए भी वो ज़्यादा वो सब नहीं कर सकता है because Islam parents और बच्चों के बीच में दीवार खड़ी कर देता है. तो ऐसा हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा डिप्रेशन में भी चला जाता है, बट उसको ऐसा होता है वो खुद को ही मोटिवेट करता है कि नहीं ये तो टेस्ट है, यू नो बिकॉज इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है ना टेस्ट का. तो वो खुद को ही समझाता है कि ये टेस्ट है और कोई बात नहीं, अल्लाह मुझे टेस्ट कर रहा है, मैं इसमें से जल्दी बाहर निकल जाऊंगा और मुझे तो अल्लाह की रस्सी ही थामनी है, चाहे कुछ भी हो मुझे अल्लाह की रस्सी थामनी है. और फिर ऐसा भी आता है कि यू नो बहुत बार ऐसे थॉट्स भी आते हैं व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, तो यू आस्क योरसेल्फ कि मैंने ये सही डिसीजन तो लिया है ना. ये बहुत बार ऐसा आता भी है क्वेश्चन अपने आप, यू डू आस्क. बट जो हाँ जो भी रिकॉर्ड है वो उस चीज को भी वो हटा देता है क्योंकि उसको वैसे कंडीशन किया जाता है, उसको सोचने पे ऐसे मजबूर किया जाता है कि लेट्स से अगर मैं डिप्रेस थी तो मैंने जब मेरे फ्रेंड्स को मैंने ये चीज शेयर की कि यार मैं ऐसा फील कर रही हूँ, तो वो कोई भी फ्रेंड हो मुस्लिम बॉर्न मुस्लिम हो या रिवर्ट मुस्लिम हो, वो आपको एक ही चीज बोलेगा एंड चाहे वो मौलाना या फिर मुफ्ती, वो आपको एक ही चीज बोलेंगे कि ये वसवस है, ये शैतान है. तो इवन इफ योर इंटेलेक्ट इज ट्राइंग टू नॉक योर डोर्स, यू नो आप उस चीज को वसवस समझ के आप उसको इग्नोर कर देते हो. जो अभी मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं कि वो चीज वसवस, जैसे इस्लाम इस चीज को वसवस का स्टिकर डाल के वो उसको चिपका देता ना, वैसे हमको नहीं करना है. सब चीज जैसे बोल रहे हैं सामने वाले लोग और जैसे इस्लाम बोल रहा है वैसा नहीं करना है. बिकॉज सी व्हेन अ रिवर्ट, जब एक रिवर्ट इस्लाम एक्सेप्ट करता है तभी उसको मुस्लिम जो मौलाना है या फिर जो भी आलिम है मुस्लिम्स है, तभी ना वो जो वही इंटेलेक्ट वही बुद्धि वो यूज करके इस्लाम एक्सेप्ट करता है तभी उनको वो नहीं बोलते कि ये वसवस है. That time they don't tell a revert to doubt their intelligence. But जब वो ऐसे सारे जब सवाल आते हैं, जब इस्लाम एकदम insecure जब फील करने लगते हैं मुस्लिम्स एंड रिवर्ट्स एंड ऑल, जब एक कोई बंदा क्वेश्चन कर रहा होता है कि क्या ये मतलब ये ऐसा क्यों है या फिर यू नो जब थोड़ा सा उनको when they sense danger तो वो बोलते कि नहीं इसको इग्नोर करो, ये वसवस है इसको इग्नोर करो, तो
दे विल नॉट अप्रिशिएट योर इंटेलिजेंस कि नहीं तू जो बोल रही है हाँ ये शायद से वी नीड टू यू नो फाइंड हमको वापस से हमको रिसर्च करना पड़ेगा ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा तो एक सो इट्स जस्ट यू नो मैं क्या बोलूँ मतलब अगर कुछ होता भी है अगर कोई डाउट्स भी आता है फिर भी हम यू नो गोल फिर के हम उसी में उसी कुएं में वापस से हम धस जाते हैं एंड कमिंग बैक टू सैक्रीफाइसेस ऑफकोर्स फिनेंस में सैक्रीफाइस बिकॉज आई टोल्ड यू आई एम एन एम्बिशियस गर्ल आई यूज टू वर्क आई यूज टू सेव मनी फॉर माई सेल्फ तो इस्लाम में आने के बाद जितना भी इंटरेस्ट मेरा जमा हुआ था आई जस्ट मैंने बस उसको हटा दिया मेरे बैंक से बैंक अकाउंट से और उसका तो आपको सवाब भी नहीं मिलता ऐसा कहा जाता है सो इट डिड नॉट मैटर टू मी बिकॉज आई न्यू कि अगर अल्लाह ये कहता है तो मैं ये चीज़ करूँगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सो फिनेंसिस भी अफेक्ट होने लगे थे एंड मैं यू नो आई वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन कि यू नो हु लाइक टू इन्वेस्ट एंड सेव एंड यू नो ग्रो मोर मनी आउट ऑफ मनी पैसा पैसा को खींचता है ये सारा कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता था लाइक यू नो एक एक्टिव इनकम होनी चाहिए एक पैसिव इनकम होनी चाहिए सो दिस वॉज माई माइंड सेट तो ये सारा तो स्क्रूड अप हो गया बिकॉज आप जब इस्लाम में दाखिल होते हो एंड जब स्लोली आप ये सारा चीज जब सीखने लगते हो तो आपको पता चलता है कि ओके वन बाय वन आप सारा कुछ मतलब अगर एफडी में आप पैसे नहीं रख सकते हो वो माइनस हो गया मतलब बेसिकली जहां पे भी इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट तो हर जगह पे है आप इंश्योरेंस मेडिक्लेम वहां पे भी इंटरेस्ट होता है वो भी आपके लिए हराम हो गया इस्लाम में आने के बाद यू हैव टू वेरीफाई वेदर इट इज हलाल और हराम दीज टू थिंग्स गवर्न यू यू हैव टू वेरीफाई यू हैव टू फाइंड अबाउट इट और अगर आपको उसमें आंसर्स नहीं मिले बाय द वे इस्लाम क्यों इज वेरी कंफ्यूजिंग वेबसाइट इट्स नॉट कि आप क्वेश्चन डाले और आपको येस नो का आंसर मिल गया आपको ऐसा इतने जलेबियां है ना एक एक क्वेश्चन के आंसर्स में इतनी जलेबियां यू विल गो मैड आप पूरा आंसर्स फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि अभी मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या है दिस इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई नोटिस इतना कंफ्यूजिंग रिलीजन है ना आपको घुमा डालता है इस्लाम अगर आपको कुछ पता भी करना है सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू आस्क स्कॉलर्स और मेरे लोकेलिटी में जो भी है मैं फोन करके आई यूज्ड टू आस्क देम कि ये क्या करना चाहिए तो ऐसे कर करके मेरे को स्लोली पता चला पहले मुझे ऐसा लगा कि ओके एक ही इन्वेस्टमेंट का जो हलाल ऑप्शन है वो शेयर्स है स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक लाइक शेयर ये शेयर ट्रेडिंग एंड फिर रिसेंटली मैंने एक वीडियो मैंने ऐसे देखा था जो मेरे ही मसलक के थे उनका उनके वीडियोस मैंने देखा था और उन्होंने बोला कि जो भी हलाल शेयर्स में कर रहे हैं उसमें भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है सो ही बेसिकली एक्सपोज्ड कि जो हलाल भी जो शेयर्स है ना उसमें भी इंटरेस्ट है एक्चुअली और जब मैंने वो फर्दर रिसर्च किया तो देयर वॉज इंटरेस्ट यू नो तो मैंने वो भी सारा मैंने पैसा निकाल दिया सो बेसिकली माई फाइनेंस गेम वॉज क्रूड मतलब कहाँ पे भी आई कुडंट इन्वेस्ट आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो आप जितना कमा रहे हो वो आप खर्चा करो एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम इंटरेस्ट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट सो योर फाइनेंशियल गेम इज क्रूड फॉर एवर तो एक ये मेरे लिए बहुत बड़ा सैक्रीफाइस था सेकेंड जब भी मैं जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने मेरा अटायर चेंज कर दिया था सो आई कुडंट गो टू अटेंड द फंक्शंस जो मेरे फैमिली जाती थी तो आई यूज टू टेल देम कि आप जाओ बिकॉज इफ आई हैड टू अटेंड तो मुझे हिजाब छोड़ना पड़ता था विच आई वॉज नॉट रेडी टू गिव अप ऑन तो एक बार जब मैंने हिजाब और ये सब मैंने ले लिया फिर यू नो आई डिड नॉट टर्न माई बैक मैं बहुत रिलीजियसली उसको फॉलो करती थी चाहे उसके लिए मुझे सोशल फंक्शंस क्विट करना पड़े मेरी एक कजिन बहन की शादी थी मैं उसके शादी में नहीं गई आई टोल्ड हर द रीजन सी दिस इज व्हाट आई हैव एक्सेप्टेड और मेरा रिलीजन ये अलाउ नहीं करता है विदाउट हिजाब एंड ऑल दीज थिंग्स तो मैं नहीं आ सकती हूँ आपके मैरिज में सो आई हैड क्विट ऑल दीज थिंग्स एंड सडनली जो मेरी फैमिली का जो पैसा है वो मेरे लिए हराम मुझे ऐसा बताया गया कि दैट इज हराम क्योंकि मेरी फैमिली में इंटरेस्ट का पैसा आता था बट आई कुड नॉट यूज इट बिकॉज आई एम अ मुस्लिम तो ऐसा भी मुझे बोला गया था कि आप अगर वो पैसा का कुछ भी खाते हो तो आपके पेट में फायर समथिंग ऐसा कुछ तो था आई डोंट रिमेम्बर तो आपकी नमाज वैलिड नहीं होगी एंड व्हाट नॉट सो वापस फियर यू नो ये देखो ये फियर मेरे दिमाग में आ गया कि ओ माय गॉड मतलब यहाँ पे मैं ऐसा नमाज कर रही हूँ और पता चला कि ये पैसा मैं इनका यूज कर रही हूँ तो ये नमाज ही वैलिड मेरी नहीं हो रही है तो
ये फियर के वजह से फिर आई गेव ऑफ दैट थिंग आल्सो, मतलब गेव ऑफ मतलब मैं खुद कमाती थी तो मैं पूरा मतलब जितना भी हो सकता है मैं फैमिली को मेरे साइड से जितना भी हो सकता था आई यूज टू गिव मनी एंड मैं उसका ही मतलब वो खाती थी, मतलब बेसिकली कट्टर था, यू नो, सो मच ऑफ रिजिडनेस, रिजिडिटी आहिस्ता आहिस्ता मेरे रास्ते में आ रही थी एंड कॉन्स्टेंट गिल्ट एंड फियर, दीज टू फीलिंग्स ना ये कॉन्स्टेंटली रहता था. अगर आप समझो अगर आई एम टायर्ड एंड नॉट एबल टू प्रे नमाज तो फिर भी मैं ट्राई करती थी कि चलो नमाज ऑफर करे, और अगर मैं नहीं भी करती तो एक गिल्ट होता था कि शिट मैंने नमाज ऑफर नहीं की, आई डिड नॉट ऑफर माय सलाह एंड सो दीज टू थिंग्स यू नो ओवरऑल फियर एंड गिल्ट ये दोनों आपको जकड़ के रखते हैं. तो इतना सब आपने इतना सीरियसली इस्लाम को लिया, इतना सीरियसली फॉलो किया, आपका फिनेंस की बैंड बच गई, बम्बू लग गई उसकी, इंटरेस्ट का जो पैसा आ रहा था उसको आपने साइड में कर दिया, जो आपके रिलेटिव्स की जो शादी थी उसमें आप जाना आपने बंद कर दिया क्योंकि आपको अपना हिजाब नहीं छोड़ना था. आई मीन यू डिड freaking everything, आपने सब कुछ कर दिया इस्लाम के लिए. I stopped listening to music. I stopped listening to music. To music. I did not watch movies. I मतलब जितना हो सकता था मैं सब करती थी अपने आप को. In fact, टीना जी ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन दावा ऑर्गेनाइजेशन में पैसे भी दिए, आई मीन डोनेशन भी दिए सो दैट शी गेट सवाब और इनके पैसे के जरिए से और लोग मुसलमान बने. Exactly. इन्होंने यहां तक किया, मतलब शी डिड एवरीथिंग. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और अब ये इंटरेस्टिंग होगा लोगों के लिए क्योंकि अभी तक वो देख रहे थे कि आपने क्या क्या पागलपन किया टू बी ऑनेस्ट. तो इतना पागलपन करने के बाद फिर क्या ऐसा हुआ कि आपने यू टर्न लिया या आप फिर इस्लाम को आपने छोड़ दिया? क्या वो चीज हुई और कैसे हुई और कैसे आप बाहर निकली फिर इससे? सो जैसे कि मैं बोल रही थी कि आफ्टर फ्यू इयर्स, जैसे आई गेस माय सेकंड ईयर और थर्ड ईयर ऑफ एक्सेप्टिंग इस्लाम, मैंने फिर मैट्रिमोनी को मतलब मैं सीरियसली लेने लगी, बिकॉज स्टार्टिंग के एक दो साल तो यू नो आई वाज जस्ट लर्निंग अबाउट के हाउ इट इज एंड व्हाट इट इज एंड ऑल. देन ऑफ कोर्स मेरी एज बढ़ते जा रही थी एंड आई वाज अनमैरिड बाय द वे. So I started looking out for grooms and suddenly aisa hua ki main kaise samjha, matlab I was under this impression ki main revert hu to you know meko easily mil jayega koi bhi, I am educated, I am you know whatever the reasons are, I was under this impression ki mujhe mil jayega muslim revert jo bhi hai mujhe mil jayega. But to my surprise aisa ho raha tha ki कुछ बॉर्न मुस्लिम फैमिलीज उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं रिवर्ट्स के इसमें नहीं आना चाहिए, यू नेवर नो, यू कैन नॉट ट्रस्ट देम एंड ऑल. एंड फिर मतलब बेसिकली ये जर्नी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थी टू फाइंड अ ग्रूम, बिकॉज सी नंबर वन यहाँ पे ना कोई मेरा मुझे हेल्प करने वाला नहीं था. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे फैमिली मेम्बर्स ही नहीं थे मेरे साथ एंड whatever जो भी मुझे करना था सब खुद से करना था, मतलब inquiry हो जाए. अभी see, this was very new to me. I don't know कि जो भी रिश्ता आ रहा है उसका background क्या है, वो कहाँ रहता है. जो normal एक कोई भी matrimony process में होता है कि आप parents you know inquiry करते हैं, पूछते हैं आस पड़ोस में कि कैसा है लड़का कैसा है लड़की, तो ये सब मेरे केस में I did not know how will I go about it. तो I was facing a very rough time in this. So, but I did not leave hope. मैं करते जा रही थी तो वाया ऐसे रिवर्ट्स को हम लोग का पूरा एक कम्युनिटी था तो हम लोग एक दूसरे को बोलते थे कि यहाँ पे ये भी सिंगल है, इसके लिए भी ढूंढना है, उसके लिए भी ढूंढना है. तो मुझे एक प्रपोजल आया एंड वो प्रपोजल थोड़े फेमस पर्सनैलिटी का था. ही वॉज नॉट अ नॉर्मल मुस्लिम, ही वॉज प्रीचर यू कैन से. और उनका जब बायोडाटा मुझे एक आया उनके ही फ्रेंड के थ्रू, तो वो बायोडाटा में डिटेल्स मतलब जो स्क्रिप्ट वो कम थी, पूरा कोलाज था पिक्चर्स का एंड थ्रू दैट मतलब वो जो कोलाज था पिक्चर्स का उनके उनका वो जो बायोडाटा था दैट गेव मी अ काइंड ऑफ इम्प्रेशन के उनका यूट्यूब पे चैनल होगा ही, लेट मी जस्ट सर्च अबाउट हिम, हाउ इज ही एज अ पर्सन एंड
यू नो वो कोलाज में पूरा ऐसा था, वो माइक लेके खड़े हैं एंड ऑल, तो एक इम्प्रेशन ऐसा मुझे आ गया था कि लेट्स सर्च हिम ऑन यूट्यूब, तो थोड़ा मुझे उनका पता चलेगा यू नो बिफोर आई मूव अहेड. तो मैंने उनका सर्च किया एंड आई सर्च्ड हिम एंड आई द वेरी फर्स्ट वीडियो आई सॉ दैट दैट पर्सन इज डिबेटिंग विद यू एंड वो जो कॉन्वर्सेशन जो हो रहा था. He was debating with me. Okay. Yeah, he was debating with you. और जो कॉन्वर्सेशन जो कॉन्वर्सेशन हो रहा था ना, तो उसमें सी दैट टाइम आई वाज अ मुस्लिम राइट, तो मुझे ऐसा हो रहा था कि यार ये मुस्लिम होके व्हाई इज ही टॉकिंग नॉनसेंस, बिकॉज मैं खुद ये चीज मैं वो जो भी टॉपिक के बारे में जो डिबेट हो रहा था, सो आई वाज बेसिकली ऑन योर साइड, आई वाज रेजोनेटिंग विद व्हाट एवर यू वर सेइंग, तो मैं काफी रिलेट कर पा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक्स मुस्लिम होके इतने समझदार बात कर रहा है. और वो जो मुस्लिम था जिसका मुझे प्रपोजल आया था, आई वाज सो ऑफ, मतलब मैंने वहीं पे डिसाइड किया कि आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस गाय. बट देन दैट्स हाउ आई स्टम्बल्ड अपॉन योर यूट्यूब का प्रोफाइल. एंड बाय द वे, अगर एक्स मुस्लिम्स के ऐसे बहुत सारे पहले भी, माय मॉम यूज्ड टू टेल मी ना, देख ये मुस्लिम छोड़ के ये धर्म में आ गया है, तू भी सोच ले. तो मेरी मॉम मुझे बहुत ऐसे वॉर्न करती थी और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस है ऑलरेडी जो नो इस्लाम छोड़ा है, तो मैं ये सब पे मैं ध्यान नहीं देती थी. बट ये जो कॉन्वर्सेशन आप दोनों का हुआ ना, दैट वॉज सो इंट्रीग्ड एंड आई स्टम्बल्ड अपॉन योर प्रोफाइल एंड देन आप जो वीडियोज पुट आउट करते थे, थैंक्स टू दैट यू सेव्ड माई लाइफ. जैसे रिसर्च के टाइम पे मैं एक के बाद एक, जैसे मैं जाकिर नायक के वीडियोस देखती गई, वैसे अभी रिवर्स अभी आपका हो गया. मतलब आई यूज टू वॉच योर वीडियोस एक के बाद एंड यू वेन एवर आई, सो द फर्स्ट थिंग आई सॉ वॉज आपका जो वो इंडिया टीवी पे जो शो था, आई वॉच दैट एपिसोड and you gave authentic references. So again the logical side of me is ke chalo authentic references de raha hai to chalo I'll give a look. To maine fir usko cross check bhi kiya sunna.com se and because of that video aur fir aapka one of the shorts, ek shorts maine youtube mein dekha tha ki actually muslims mein kharabi nahi hai, problem islam mein. I really could connect because ye 6 saal mein maine jitna bhi ilm liya, maine jitne bhi experience kiye, वो सारा मैं कनेक्ट कर पा रही थी. और आहिस्ता 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 फिर फाइनली मैंने आपको एक दिन मेल किया कि आई हैव लेफ्ट इस्लाम एंड या दिस इज माय जर्नी. तो गाइस जस्ट इमेजिन, अभी एक मस्त कमेंट भी आया था कि इनकी शादी जो है वो मेरी वजह से रुक गई. सो लकीली उस बंदे के साथ मेरा जो है वो डिस्कशन ऑन एंड ऑफ चालू था और उसी की सर्च में टीना जी जो है वो यूट्यूब पर आई और लकीली कोइंसिडेंस ही समझ लीजिए आप लोग कि उनको मेरा वीडियो मिल गया, वरना ये टीना जी जो है वो बहुत बुरी तरीके से उसके साथ भी फंस जाती और हो सकता है कि इस्लाम से बाहर ही नहीं निकलती. तो ये अब देखिए कि हमारी वीडियोस का इफेक्ट क्या हो रहा है और ये लोगों तक पहुंचना कितना जरूरी है. आप सोचिए, एक वीडियो हो सकता है कि किसी की जिंदगी बचा ले बर्बाद होने से. एक वीडियो अगर आए तो उसकी हो सकता है वो देख ले तो उसकी जिंदगी बच जाए. तो ये हाल हुआ है इनके साथ, टीना जी के साथ. बट लकीली उन्होंने जब वीडियो देखा तो आप कंटिन्यूअसली टीना जी देखती गई मेरा वीडियो, फिर और आपने और भी लोगों के वीडियोस देखे. तो फिर क्या लगा, आप ये जो कर रही थी आपको बेवकूफी लगी या नहीं लगी या क्या कुछ सोचा आपने? नो, उसके बाद मतलब व्हेन आई रिफ्लेक्टेड, आप जो भी शेयर कर रहे थे इस्लाम, बेसिकली सी मेरे सामने जो प्रेजेंट किया गया था वो सब सॉफ्ट साइड ऑफ इस्लाम था, जिसके वजह से मैं 6 साल टिकी. यू नो जो भी मैं वीडियोस देखती थी यूट्यूब पे, दे विल ऑल प्रेजेंट द सॉफ्ट साइड ऑफ इस्लाम की एनिमल्स है, उनको उनको उनका केयर करो, पानी पिलाओ एंड ऑल दीज थिंग्स. मतलब ये तो सिर्फ एक आध चीज में बोल रही हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सॉफ्ट साइड में, कोई भी अगर सुन लेना तो यू विल फील कि हाँ इस्लाम में अच्छी बातें भी है, इट्स जस्ट नॉट ब्लैक साइड. बट
आपके थ्रू आई गॉट टू नो द डार्क साइड ऑफ इस्लाम विच वॉज नेवर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ मी. तो वो जब मुझे समझ में आया एंड प्लस मेरा भी एक्सपीरियंसिस 6 सालों में थोड़ा थोड़ा मुझे थोड़ा डाउट आने लगा था बट आई डिड नॉट पे हीड. मैंने उस चीज पे इतना ध्यान नहीं दिया. तो जब आपने मुझे ये पूरा व्हेन थ्रू योर वीडियोस व्हेन आई केम टू नो के ओके इस्लाम हैज अ डार्क साइड आल्सो, तो उसके बाद आई वाज लाइक के आई नीड टू सी स्टिल आई एम नॉट मैरिड. अभी तक मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं कराए थे, रिवर्जन ऐसे कुछ भी. मैंने आई वाज जस्ट फॉलोइंग इस्लाम और मैंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दी थी. तो आई वाज लाइक के आई शुड थिंक अबाउट इट एंड यस देन दिस इज व्हाट मेड मी लीव इस्लाम. एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट व्हेन आई वाज लीविंग इस्लाम बिकॉज यू प्रेजेंटेड यू नो ऑथेंटिक हदीसेस एंड एवरीथिंग. ओके. तो कई सारे लोग जो है मुझे इतनी हंसी आ रही है कई सारे लोग यानी लोगों का दिमाग देखिए सब वो क्या बोलते हैं अटकलन कहते हैं ना, अटकलन लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है कि वो बंदा था कौन. कोई कह रहा है तस्लीम रहमानी, कोई सैम स्टेलोन, कोई मोहम्मद सलमान, कोई इलियास शराफुद्दीन, कोई अलग अलग लोग जो है अलग अलग अपना दिमाग चला रहे हैं कमेंट में कि वो बंदा था कौन ऐसा. No, थोड़ा बहुत let's create a suspense, let them guess. Yeah. Let's keep it a secret because वो नाम भी बता देते हम, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि we don't want के टीना जी को कोई सिक्योरिटी इश्यू हो, threats मिले, क्योंकि मैं उनके threat में मतलब मैं उनके निशाने में आ जाऊँ मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन आई डोंट वॉन्ट के मेरे वजह से टीना जी को कोई प्रॉब्लम आए. तो वो बंदे को पता चल गया तो जरूर तो पहले से ही मुझे वो पसंद नहीं करता है, गालियां देता है. तो पता चल गया कि भाई ये तो इसने ऐसा भी कर दिया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, मेरी शादी रुक गई, तो वो पागल हो जाएगा एकदम. एंड ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन मी बाय द वे, ये मैंने आपको बोला. अरे यार ये तो हद हो गई, अब तो वो तो जहर का प्याला पी लेगा मेरे नाम से. अब आपकी क्या सोच है और घर वालों को आपने ये डिसीजन बताया कि आप इससे बाहर निकल गई है, एंड व्हाट इज देयर रिएक्शन, क्या है? सो द फर्स्ट फैमिली मेंबर जिनको मैंने बोला था वाज माय मॉम, बिकॉज़ ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स बहुत डिसहार्टन थे, बहुत स्ट्रेस में आ गए थे, बट एट द सेम टाइम दे न्यू के ये लड़की आगे बढ़ चुकी है, ये अभी स्टबन हो गई है, शी इज़ नॉट गोइंग टू लिसन. बट जब मैंने ये जब रिसर्च किया, आई डिड नॉट टेल टिल देन, आई वॉन्टेड टू रीच अ फाइनल डिसीजन और फिर ही मुझे वो चीज़ डिक्लेयर करनी थी. तो मैंने मम्मा को सबसे पहले ये चीज़ बताई एंड शी वॉज सो हैप्पी बिकॉज मेरी मॉम को पता था कि मुझे कैसे रिश्ते आ रहे थे. एंड यू नो मोस्टली जैसे आपने एक वीडियो में भी बोला था कि लिटरेसी रेट कम है, एंड आई वाज लुकिंग आउट फॉर अ पर्सन हु इज थोड़ा बहुत एजुकेटेड एंड थोड़ा बहुत अच्छा खासा कमा लेता हो, आई वाज लुकिंग आउट फॉर दैट काइंड ऑफ पर्सन. तो वो मिल ही नहीं रहा था मुझे, ठीक है. और तो नाउ माय फिर मेरी मम्मी ने ऑफकोर्स मेरे पापा को बोला, ही वॉज ऑल्सो सो हैप्पी. एंड बेसिकली यू नो वॉट यू हैव डन साहिल, आपने अपने फैमिली को वापस से रीयूनाइट कर दिया था. एक जो इनविजिबल जो वॉल थी जो इस्लाम ने क्रिएट किया था, हालांकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल थी, आपने उस चीज को आपने हटा के गिरा दिया. एंड यू हैव गिफ्टेड मी माई पेरेंट्स एंड यू हैव गिफ्टेड माई पेरेंट्स देयर डॉटर. थैंक यू.